सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की हैं। इसी क्रम में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया। इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया। तदनुसार सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से रिफंड की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, उपयोगकर्ता की सुविधानुरूप, कुशल और पारदर्शी है, जिसमें आवश्यक जांच और संतुलन शामिल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि का ही भुगतान किया जाए। इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट https://cooperation.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सभी दावे एक ही बार में ऑनलाइन जमा करें और दावे एवं जमा धन राशि के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदकों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को सहारा समूह की समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अर्थात ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर आवेदक को SMS और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सफल दावों के मामले में धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए 4 वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी OSD नियुक्त किए गए हैं। रिफंड की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल एमिकस क्यूरी की सहायता से की जाएगी।